बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद फखरिया। टुडे आवर लेक्चर इज द एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर ड्रग में सबसे पहले आपको सीजर्स के बारे में पता हो जाना चाहिए। सीजर्स होते क्या है? सीजर क्या है? एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज है इन द न्यूरॉन, जिनके सीएनएस में एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक तो है फोकल सीजर, दूसरा है जनरलाइज्ड सीजर। अब जो फोकल सीजर है वो दो टाइप्स का हो सकता है, यानी कि फोकल का मतलब किसी एक पॉइंट पे फोकस है, वो वहां से सीजर्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए। इसमें सिंपल यानी कि एक नॉर्मल फॉर्म है जिसमें, और इसके बाद आ जाते हैं सिंपल से आगे कॉम्प्लेक्स, यानी कि ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जनरलाइज सीजर। इसमें सबसे पहले मायोक्लोनिक, टोनिक क्लोनिक, एब्सेंट सीजर और स्टेटस एपिलेप्टिकस। मायो रिप्रेजेंट विद द मसल, क्लोनिक मीन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल की एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा टोनिक क्लोनिक, वो भी इसी तरह ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है एब्सेंट सीजर्स। अच्छा, ये एब्सेंट सीजर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइल्ड्स में होता है। अब इनमें मेनली क्या होता है, इसमें 3 to 5 ईयर्स ऑफ द ओल्ड पेशेंट होता है, जिनके चाइल्ड होता है, और उसके बाद ये कहाँ तक रहता है, प्यूबर्टी तक, और इसके बाद प्यूबर्टी से भी आगे चला जाता है समटाइम्स। उसके बाद जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है, स्टेटस का क्या मतलब है, एक ठहरा हुआ आ जाना, यानी कि क्या होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस में, ये इमरजेंसी कंडीशन में, इसमें किसी को एक अटैक हुआ है सीजर का, और उसके बाद वो अनकॉन्शियसनेस है, उसके बाद फिर अटैक हो गया, उसके बाद अनकॉन्शियसनेस है, यानी कि उसे वो कॉन्शियसनेस ही उसकी नहीं है, यानी कि अटैक पे अटैक हो रहा है, तो इसकी वजह से ये कहें इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहेंगे। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट प्लान है, उसमें मेनली क्या करना है, अब देखो सीजर है इसमें क्या है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि ब्रेन क्या है, हाइपर एक्टिव है, ब्रेन क्या है, डीपोलराइज है, उसके अंदर पॉजिटिव डिस्चार्ज है सेल में। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें ये देखिए एक न्यूरॉन है, तो हमने इसका ट्रीटमेंट प्लान में यही चार चीजें करनी है। एक क्या करना है, एक तो हमने इसके अंदर नेगेटिव डिस्चार्ज क्रिएट कर देना है, ठीक है, किस पाथ वे के जरिए, ताकि सोडियम आयन को ब्लॉक किया जाए, कैल्शियम आयन को ना अंदर आने दिया जाए, और दूसरा क्लोराइड नेगेटिव है तो क्लोराइड अंदर आने दिया जाए और पोटाशियम बाहर जाने दिया जाए। इन चार प्रोसीजर के ऊपर पूरी बेस करेगी एंटी सीजर ड्रग। नंबर 1 सोडियम को ब्लॉक, कैल्शियम को ब्लॉक, क्लोराइड अंदर, पोटाशियम बाहर, अंदर मेनली नेगेटिविटी क्रिएट करनी है। अब आ जाते हैं सबसे पहले जो ड्रग्स हैं उनमें कौन कौन सी। सबसे पहले मैं आपको ये एक ओवरव्यू बता देता हूँ, ये एक प्री सिनेप्टिक है, यानी कि जो न्यूरॉन है, उसके बाद ये दो, ये वाला और ये वाला, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, और ये दरमियान में ये वाला एरिया है वो है सिनेप्टिक लेफ्ट। अच्छा, मेनली कोई भी एक रिस्पॉन्स आता है, एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है, ये मैंने एक इंपल्स बना दी, तो इंपल्स में क्या होता है, यहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और एक्साइटेशन होती है एक नॉर्मल प्रोसेस में। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे क्या हुई, एक इंपल्स जनरेट हुई, एक क्या आई, इंपल्स क्या हुई, जनरेट हुई, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले होती है सोडियम वोल्टेज गेटेड। सोडियम वोल्टेज गेटेड नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूं। अब सोडियम वोल्टेज गेटेड क्या करते हैं, ये है SV2 प्रोटीन, यानी कि सिनेप्टिक लेफ्ट वेसिकल प्रोटीन होती है, जिसमें क्या है, ये ग्लूटामेट्स हैं, क्या है, ग्लूटामेट्स, ये मैं इसे जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सारे ग्लूटामेट, ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इनकी एक्साइटेशन है नॉर्मल। अब इसके बाद ये क्या होता है, ये जो होते हैं दो रिसेप्टर होते हैं, एक होता है NMDA रिसेप्टर, दूसरा होता है AMPA रिसेप्टर, यहां पे ग्लूटामेट आके अटैच होगा और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी सेल के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस में। ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस। अच्छा, मेनली इसमें हमने क्या करना है, हमने इन चैनल्स को ब्लॉक करना है। सबसे पहले जो आती है वो आती है फेनिटाइन, कार्बामिजापिन, लेकोसामाइड और जोनिसामाइड, ये दोनों सिमाइड है। ये क्या करती है, सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल को ब्लॉक कर देती है। जब इन्होंने सोडियम गेटेड वोल्टेज चैनल को ब्लॉक किया तो यहां पे जो इंपल्स आ रही है वो यहां पे रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। नंबर 1 प्रोसेस, इसमें कौन सा है, फेनिटाइन, कार्बामिजापिन, लेकोसामाइड और जोनिसामाइड।
फाइनाइट की एक प्रॉपर्टी है ये कि इसको भी रोक देता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो तेज आ रहा है उसको भी फाइनाइट की ये फ्रीक्वेंसी रोकता है बिल्कुल, जो फाइनाइट है। अब आ जाता है कैल्शियम, कैल्शियम का क्या रोल है, कैल्शियम आके अटैच होता है और ये रिलीज करवाता, तो हमने कैल्शियम को भी क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो कैल्शियम के लिए उसने बता दिया गैबा पेंटेन और प्री गैबा लैन, और दोनों गैबा हैं, एक तो प्री है दूसरा गैबा पेंटेन, इसको मेमोराइज कर लेना है, यानी कि गैबा जो लेवल वो होते हैं गैबा पेंटेन और प्री गैबा लैन, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है इन दोनों को कौन ब्लॉक करेगा, वो होता है लैमोट्राइजिन, इन दोनों को जो ब्लॉक कर रहा होगा वो होगा लैमोट्राइजिन, ट्राइमेथिलीन, यानी कि प्रॉपर दोनों को जो कर रहा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से याद रखिए दो और एक तीन लैमोट्राइजिन, ठीक है। तो इन दोनों को जो ब्लॉक कर रहा है वो क्या कर रहा है, लैमोट्राइजिन। उसके बाद हम देखते हैं एक तो हो गया हमने यहां पर इन दोनों चैनल को ब्लॉक कर दिया, अब ये क्या है पोटेशियम का इनफ्लक्स है, तो पोटेशियम क्या करेगा हमेशा नेगेटिवली चार्ज क्रिएट करेगा, तो अंदर हमने पोटेशियम इंक्रीज कराना है, तो ये होता है रेटिगाबीन, ये भी गैबा है रेटिगाबीन, ठीक है। ये क्या करता है पोटेशियम अंदर लेके आता है ताकि नेगेटिविटी क्रिएट हो और ये बाहर ना जाए ग्लूटामेट, हमारा काम ये है ग्लूटामेट को स्टॉप करना है यहाँ पे। नंबर फोर्थ क्या है लेविट्राइएसिटम, लेविट्राइएसिटम का क्या काम होता है, ये मेनली जो सिनेप्टिक वेसिकल को क्या करता है ब्लॉक कर देता है। तो हमने प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में चार किस्म के गेट बंद कर दिए, नंबर वन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, उसके बाद हमने पोटेशियम इंक्रीज करा दिया, उसके बाद लेविट्राइएसिटम ने इसे क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया। इन चारों मैकेनिज्म को हम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पे हमने रोक दिए हैं। अब आ जाते हैं अगर हमने यहां पे भी नहीं रोका तो मेनली क्या होता है, अगर यहां पे यानी कि ग्लूटामेट आ गया तो मेनली क्या करना है, हमने दो किस्म के रिसेप्टर मैंने आपको बताए हैं, एक AMPA दूसरा NMDA, जहां पे ग्लूटामेट आके यहां पे मेनली क्या होता है सोडियम आती है और यहां पे कैल्शियम पॉजिटिवली, तो यहां पे हमने क्या करना है रोकना है, जो एम्पा को ब्लॉक कर रहा होगा वो होगा ये एम्पा, ये देखो AMPA पैरम पैनल, इसको इस तरह से याद रखना है ये एम्पा ये पैरम पैनल, ठीक है। उसके बाद आता है NMDA रिसेप्टर, NMDA रिसेप्टर को फेल्बामेट भी होता है और कीटामीन भी होता है, ये आपने मेमोराइज कर लेना है, कीटामीन जो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी इसे ब्लॉक करता है। अब इसके बाद ये भी ब्लॉक हो गया, आगे अंदर पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट हो रही, आगे रिस्पॉन्स जा ही नहीं रहा। नंबर यहां पे अब पोस्टसिनेप्टिक टर्मिनल पे नंबर वन है ये टी टाइप कैल्शियम चैनल, ये स्लो होते हैं और ये मेनली क्या होता है इसमें एथोसिजामाइड एथोसक्सीमाइड सॉरी एथोसक्सीमाइड ये क्या करता है टी टाइप चैनल कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा और आगे कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, यहां पे भी ब्लॉक हो गया। ये तो हमने पढ़ लिए कि भी सोडियम कैल्शियम के बारे में और ये सारे रिसेप्टर। अब मेन है गैबा का रोल, गैबा क्या करा रहा होता है, गैबा अंदर क्लोराइड चैनल इंक्रीज करा रहा होता है, क्या करा रहा होता है क्लोराइड, तो हमारा काम क्या है इसके अंदर क्लोराइड चैनल इंक्रीज कराने हैं ताकि नेगेटिविटी क्रिएट हो और आगे रिस्पॉन्स ना जाए। एक तो हमारा रिस्पॉन्स हो गया कि पॉजिटिव आयन को रोक दिया हमने, दूसरा हम क्या कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज अंदर क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमने नेगेटिवली चार्ज क्रिएट किया है तो मेनली ये क्या होगा जो क्लोराइड आयन है वो अंदर जाएगा। इसमें कौन से होते हैं गाबा ए रिसेप्टर हम देख लें, गाबा बी भी होते हैं लेकिन गाबा ए मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्लोराइड चैनल का इन्फ्लक्स होता है, इसमें बारबिट्यूरेट्स और कौन से होते हैं फिनोबारबिटोल ये होते हैं मेनली। ये तो हो गया ये दूसरा रिस्पॉन्स हमने कर लिया, तीसरा क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत से गाबा हैं, ये गाबा ये कौन से हैं गाबा गाबा फिर है ना ये गाबा, अब गाबा क्या करता है ये रीअपेयर कर लेता है कुछ न्यूरॉन, लेकिन हमने क्या करना है गाबा को यहाँ आके लगाना है ताकि जो गाबा रिसेप्टर को अटैच हो और क्लोराइड अंदर जाए, तो इसको इनहिबिट करने के लिए कौन सा केमिकल होगा जो गैट वन को इनहिबिट करेगा ताकि गाबा अंदर ना जाए,
ताकि गाबा अंदर ना जाए। इसमें है टायाजाबीन। अब टायाजाबीन आपने किस तरह मेमोराइज करना है, ये गैट है ना, इसे टी वन टायाजाबीन, टी वन से टी आई ए जी ए बी एन। गैबा तो वैसे है क्योंकि गैबा आपने लगाना है क्योंकि गैबा रिसेप्टर को उसने नहीं करा, तो टाया यानी कि गाबीन टायाजाबीन, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर यहां पे भी चला जाता है तो यहां पे होता है गाबा ट्रांसामाइनेज जो कि इसे ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, वाई गाबा ट्रेन गैप इसको ब्लॉक कर दोगे ताकि जो गैबा है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहे। जब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहेगा तो क्लोराइड क्या होगा, उसका इन्फ्लक्स होगा। तो ये तीन मैकेनिज्म गैबा के आपने देख लेने हैं। नंबर वन कि एक तो डायरेक्ट गैबा रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होके उसने क्या कर दिया, क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा दी। दूसरा गाबा को एक तो रिअपटेक नहीं होने देना, दूसरा उसकी डिग्रेडेशन नहीं होने देनी आपने, और नेम आपने इस तरह से याद कर लेने। दीज आर ऑल द ड्रग डिस्कस। इसमें एक टोपिरामेट भी है वो भी आप कर लेंगे, वो भी इस तरह करती है कि वो डिफरेंट रिसेप्टर पे करती है। टोपिरामेट कौन सी, टोपिरामेट, ये आपने सारी ड्रग्स ना इसको मेमोराइज कर लेना है, वो सोडियम को भी कैल्शियम को भी और इस तरह गैबा को भी। तो दीज आर ऑल डिस्कस अबाउट द एंटी सीजर ड्रग। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मेडिकोज फीवर। इसके बाद जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम मेनली क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जो उनके जो कंडीशंस और उनके क्या है जो एडवर्स इफेक्ट हैं और किस किस सीजन में यूज होती है वो करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।